एम्स की घोषणा के बाद जागो मंच ने अनशन पर बैठे साथियों का अनशन बिलासपुर के वरिष्ठ साहित्यकार कुलदीप सिंह चंदेल ने जूस पिलाकर तोड़वा दिया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जागो मंच के साथियों को बहुत बहुत बधाई जो उन्होंने बिना किसी राजनीतिक के इस आंदोलन को चलाया और उसे कामयाबी दिलाई। इस अवसर पर मंच के संयोजक परवेश चंदेल, सह संयोजक पंकज ठाकुर, प्रवक्ता केश पठानिया, पवन शर्मा, कैप्टन बालक राम दौलत सिंह ठाकुर, करनैल सिंह चंदेल, करम सिंह, महेंद्र सिंह, तिप्ति मार्केट के अध्यक्ष रामलाल शर्मा, अमर सिंह, पंकज गौतम जिलों से मंडी और कांगड़ा से नरेश व कपिल जो आंदोलन को मजबूती देने आए थे। इनके अलावा कल से अनशन पर बैठे साथी सुरेश चौधरी, नसीब खान, परविंदर शर्मा, जितेंद्र ठाकुर व ज्ञानचंद शर्मा मौजूद थे। इस अवसर पर बिजली महंत ने भी बधाई, खुशी के गीत व नृत्य करके व मिठाई बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। इस अवसर पर जागो मंच ने बिलासपुर के तमाम नागरिकों, संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं, व्यापार मंडल, ऑटो रिक्शा यूनियन, तिप्ति मार्केट यूनियन, ट्रक ऑपरेटर यूनियन, वाल्मीकि सभा का भी धन्यवाद किया और उन्होंने पत्रकार साथियों का धन्यवाद किया जिन्होंने लगभग डेढ़ महीने तक बिलासपुर के लोगों की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाया। और इसके साथ ही मंच ने प्रदेश सरकार राजा वीरभद्र सिंह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद व्यक्त किया जो ये तोहफा बिलासपुर को दिया। एम्स के लिए उन्होंने डेट फिक्स कर दी है 3 अक्टूबर की, तो मंच जो है उनको सपोर्ट करेगा और हम चाहेंगे कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री बने जगत प्रकाश नड्डा जी और हमारे बिलासपुर का, पूरे प्रदेश का एक अच्छा विकास हो। तो इसके साथ हमने जो अनशन जो हमारा चल रहा था मंच का, वो आज 19वें दिन में प्रवेश कर गया था और उसके बाद उसको समाप्त करवाया गया। तो उसको समाप्त करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार आए, उन्होंने करवाया। ये पहले भी हमने कहा था कोई राजनीतिक मंच नहीं है, इसमें कोई राजनीति नहीं है। तो इसी वजह से हमने वरिष्ठ पत्रकार को बुलाया और उन्होंने आकर के अनशन समाप्त करवाया। तो और कल के लिए हमारा प्रोग्राम है, मंच का जो प्रोग्राम है कल का, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। कल ये जो शिलान्यास के लिए डेट फिक्स हुई है 3 अक्टूबर की, उसी उपलक्ष्य में हमारा जागो बिलासपुर जागो मंच जो है विजय दिवस मना रहा है। विजय दिवस मना रहा है किस लिए मना रहा है कि मंच की जीत हुई और एम्स संस्थान का बनना लगभग तय हो चुका है पूरी तरह से जिला बिलासपुर के अंदर। तो इसी उपलक्ष्य में कल मंच की तरफ से 1 क्विंटल लड्डू, उसके ऑर्डर हम अभी देके आ गए हैं, 1 क्विंटल लड्डू जो है वो बांटे जाएंगे कल सुबह ठीक 11 बजे। मेरी तमाम बिलासपुर की जनता से अपील है कि वो कल ठीक 11 बजे लक्ष्मी नारायण मंदिर में पहुंचें और इस विजय दिवस में अपना योगदान दें, हिस्सा लें इसमें बढ़ चढ़कर, ताकि यहाँ पे जल्द से जल्द एम्स का जो है वो शिलान्यास हो जाए। और 3 अक्टूबर का समय लगभग तय है, जो हमें पता चला है वो हमें पता चला है माननीय नड्डा जी के ट्विटर अकाउंट से और फेसबुक अकाउंट से हमें पता चला है कि 3 अक्टूबर को वो प्रधानमंत्री जी के साथ यहाँ आ रहे हैं और हमारा मंच पूरे दल बल के साथ, पूरे जोर और जोश के साथ उनका स्वागत करेगा, अभिनंदन करेगा और हम सम्मानित करेंगे उन्हें। हम दिल से धन्यवाद करते हैं।